एक बार फिर से आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। तो चलिए आज हम बनाने वाले हैं एक्सरसाइज 3.2 क्लास 10th का क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। लिखा हुआ है अनुपातों A1 अपॉन A2 कोमा डिस B1 अपॉन B2 और C1 अपॉन C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएँ एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, समांतर है अथवा समपाती है। तो चलिए पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 का पहला क्वेश्चन है, चलते हैं देख सकते हैं। तो यहाँ पे हमको लिखना है A1 इक्वल टू 5, यहाँ से ले लेंगे B1 बराबर -4 और C1 का वैल्यू आपका 8 है। इधर जितना भी रहेगा इस साइड लाएंगे, माइनस में हो जाएगा। A2 आपका है 7, B2 हो जाएगा 6 और C2 का वैल्यू है -9। तो चेक करते हैं A1 अपॉन A2 इक्वल टू हमारा हो जाएगा 5/7, B1/B2 इक्वल टू -4/6, काटते हैं 2, 3 जा 6, 2, 2 जा 4, -2/3। तो देखिए पहला स्टेप ही हमारा जो है इक्वल नहीं आ रहा है, तो अगला निकाल भी सकते हैं या फिर नहीं भी निकाल सकते हैं। C1/C2 इक्वल आपका है 8/9। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि A1/A2 बराबर है क्या? नहीं है B1/B2, यानी कि जब ऐसे कंडीशन होगा तो हमारा क्या हो जाएगा, प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं आ जाएगा। देखिए 5/7 है और ये आपका जो कि -2/3 है, तो इस कंडीशन में हमारा हो जाएगा प्रतिच्छेद करती हुई, प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं, यानी कि हमारा जो दो लाइन रहेगा इस तरह एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, एक बिंदु पे प्रतिच्छेद करेगा। ठीक है,